और शुरुआत जो कर रहे हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भारत में सूर्य ग्रहण 4:28 पर लगने वाला है, लेकिन नॉर्वे और इटली में सूर्य ग्रहण लग चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से सूर्य का आकार अब बदलता हुआ जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और ऐसा संयोग बनता है। उस वक्त कई नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन भी करना पड़ता है। देखिए, साइंटिफिकली अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और चंद्रमा दोनों चक्कर लगाते हैं, साथ ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, लेकिन एक ऐसी पोजिशन बनती है जिसमें चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और जहां जहां पर चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है वहां वहां पर सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जहां पर रोशनी नहीं पड़ पाती और वहीं पर सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये तस्वीर आपको नॉर्वे और इटली की दिखा रहे हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण की झलक दिखनी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो दुनिया भर के कई हिस्सों में इस वक्त सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। 4:28 पर भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और करीब करीब 2.25 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसमें हर किसी को हिदायत दी है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में 12 घंटे पहले से ही सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मंदिर के तमाम कपाट और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। किसी तरीके का कोई शुभ कार्य पूजा पाठ नहीं हो रही है। सूर्य ग्रहण, जिसको लेकर मेरी दोनों सहयोगी जानकारी दे रही थी कि ऐसी सीध बन जाती है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, और जब चंद्रमा की छाया जो है वो धरती पर पड़ती है तो सीधे तौर पर सूर्य की छवि को रोकती है, जिसकी वजह से ये सूर्य ग्रहण बनता है। और ऐसे में अब नॉर्वे और इटली से ये तस्वीरें आने शुरू हो चुकी है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए अब आस्था की कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, ताकि अगर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ता है तो वो ना पड़े जी। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अब जो सूर्य का आकार है वो बदलता हुआ जा रहा है, क्योंकि जैसा की हम बार बार आपको बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, और ये चंद्रमा ही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसने सूर्य को एक तरीके से ढक लिया है और सूर्य का आकार अब कुछ ही बच गया है। यानी कि आप देखिए किस तरीके से चांद के शेप में अब यहाँ पर दिखता हुआ, निखरता हुआ साफ सामने आ रहा है। लेकिन कई सारे नियम भी ऐसे हैं जो इस दौरान जिनका पालन भी करना पड़ता है। लेकिन ये आकार आप देखिए, ये हम नॉर्वे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इटली में सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो इटली की कुछ ऐसी तस्वीर है, ये लाल रंग का जो है ये आपको इटली में दिखेगा। और साथ ही अगर नॉर्वे की हम बात करें तो नॉर्वे में इस तरीके का चांद यहाँ पर दिख रहा है। तो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है। भारत में भी आज सूर्य ग्रहण है और उसकी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तस्वीर दिखेगी, सूर्य ग्रहण बनता हुआ साफ दिखेगा। तो नॉर्वे और इटली की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली के अंदर भी सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद है, जो तारा मंडल के बाहर मौजूद भी थे, उन्होंने बताया कि देखिए क्योंकि वेदर की वजह से मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली में साफ तौर पर जो है वो सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि हर साल चाहे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, ऐसे में वहां पर पूरी तैयारियां की जाती है ताकि आम जनता भी जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि सालों साल बाद होता है कि ऐसा कोई अनोखा ग्रहण है वो देखने को मिले। और इस साल सूर्य ग्रहण दिवाली के ठीक अगले दिन पड़ रहा है, जो 27 सालों बाद पड़ रहा है, तो अपने आप में बहुत अनोखा हो रहा है। लेकिन इस बार साफ तौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर नहीं देखा जाएगा, लेकिन हमने आपको नॉर्वे और इटली की तस्वीरें दिखाई, जहां पर देखिए किस तरीके से चांद ने सूरज को पूरी तरीके से ढक लिया है, जहां पर चांद की परछाई पड़ रही है और वहां पर सूर्य ग्रहण जो है यानी कि सोलर एक्लिप्स की शुरुआत हो चुकी है।